प्रिय विद्यार्थियों, चलिएगा तो आज का वीडियो हम शुरू करें। और आज हम देखेंगे लेसन अ लेटर टू गॉड। अ लेटर टू गॉड यानी कि भगवान के नाम पत्र। और इसमें देखेंगे वो तमाम 20 क्वेश्चन जो परीक्षा में तो आते ही रहते हैं और आपके लिए भी इम्पोर्टेंट हो जाएं। देखिएगा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ओनली स्टूडेंट फॉर क्लास 10। देखिएगा पहला क्वेश्चन, सेलेक्ट द मोस्ट सूटेबल अल्टरनेटिव टू कंप्लीट। और ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ठीक है, तो इन्हीं में से आपको उत्तर देना है। पहला क्वेश्चन दिया गया है, हेल्प्ड लेंचो, लेंचो की सहायता की, किसने की लेंचो की सहायता। अब देखिएगा आपके सामने ऑप्शन भी दिए गए हैं, गॉड, हिज चिल्ड्रन, हिज वाइफ या द पोस्टमास्टर। तो किसने की थी लेंचो की मदद, बिल्कुल क्लियर, आपको पता भी होगा किसने की थी, गॉड ने, भगवान ने की थी। कि भगवान ने की थी, नहीं, भगवान ने मदद, उसको लगता था कि भगवान हमारी मदद करेंगे, यहीं पर बच्चे गलत कर देते हैं। उसकी मदद पोस्टमास्टर ने की, किसने की थी, पोस्टमास्टर ने, डाक पाल ने की, ठीक है। अगला है लेंचो वॉज, लेंचो था, लेंचो कौन था, फार्मर, किसान, लेबर, मजदूर, वर्कर या टीचर, क्या था लेंचो। तो लेंचो फार्मर था भैया, किसान हो जाएगा, क्या हो जाएगा, फार्मर। ऐसे ही दिया गया है आगे, द पोस्ट मास्टर आंसर्ड द लेटर टू, तो पोस्ट मास्टर ने पत्र का उत्तर दिया, कैसे, हेल्प द राइटर, लेखक की सहायता करने के लिए, शेक द राइटर फेथ इन गॉड, लेखक का भगवान में विश्वास बनाए रखने के लिए, बिल्कुल बी वाला सही हो जाएगा, इसीलिए तो उत्तर दिया था। आगे देखेंगे, लेंचोज हाउस वाज सिचुएटेड, लेंचो का घर स्थित था, कहाँ स्थित था, बॉटम ऑफ द हिल, पहाड़ी की तली में, टॉप ऑफ द हिल, पहाड़ी की चोटी पर, टॉप ऑफ अ प्लेट्यू, पठार की चोटी पर, इन अ सिटी, शहर में। तो लेंचो का घर कहाँ था, पहाड़ की चोटी पर, टॉप ऑफ द हिल, बिल्कुल बी वाला सही हो जाएगा। आगे, लेंचो कंपेयर्ड द लार्ज हेल स्टोन विथ, लेंचो ने कंपेयर्ड यानी कि तुलना की, द लार्ज हेल स्टोन यानी कि बड़े ओलों की बूंदों की विथ, किससे की, लेंचो ने बड़ी वर्षा की बूंदों की तुलना किससे की, तो न्यू क्वाइंस नए सिक्कों से, सिल्वर क्वाइंस चांदी के सिक्कों से, डायमंड हीरों से, पल्स मोतियों से, किससे की भैया, तो बताइएगा, आपको बताना है इसका आंसर, ठीक है, तो न्यू क्वाइंस, किससे की, न्यू क्वाइंस नए सिक्कों से। लेंचो न्यूज हिज फील्ड, लेंचो अपने खेतों को जानता था, कैसे जानता था, हार्टेडली हृदय से, सर्टेनली निश्चित रूप से, थ्रोंगली पूरी तरह से, इंटीमेटली निकटता से या पूरी तौर से, बिल्कुल डी सही हो जाएगा, पूरी तौर से। आगे देखिएगा, द डाउन पोर केम फ्रॉम, मूसलाधार वर्षा आई, द डाउन पोर केम फ्रॉम, मूसलाधार बारिश कहाँ से आई थी, देखिएगा कहाँ से आई, द नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूरब से, नॉर्थ उत्तर से, नॉर्थ वेस्ट उत्तर पश्चिम से, या साउथ वेस्ट दक्षिण पश्चिम से, तो कहाँ से आई थी, देखेंगे नॉर्थ ईस्ट, बिल्कुल ये वाला सही हो जाएगा, नॉर्थ ईस्ट उत्तर पूर्व से। आगे, द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न प्रोमिस्ड, पके हुए अनाज के खेत आशा बांधते थे, पके हुए अनाज के खेत जो थे वो आशा बांधते थे किसकी, अ हैवी रेनफॉल अच्छी बारिश की, अ गुड हार्वेस्ट अच्छी फसल की, अ शॉवर एक बौछार की, अ डाउन पोर एक मूसलाधार बरसात की, बिल्कुल गुड हार्वेस्ट अच्छी फसल की, हार्वेस्ट मीन फसल होता। आगे, नवा नंबर है कि इट वॉज दैट,
जैसे कि जस्ट एज लेंचो हैड प्रिडिक्टेड, लेंचो ने भविष्यवाणी की थी, बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगिन टू फॉल, वर्षा की बड़ी बूंदें गिरने लगी। मॉर्निंग टाइम कब भविष्यवाणी की थी? मॉर्निंग टाइम ड्यूरिंग अ वॉक, ड्यूरिंग मील, ड्यूरिंग स्लीप। तो कब भविष्यवाणी की थी आपको भाई पता तो होना ही चाहिए। तो ड्यूरिंग मील, बिल्कुल भोजन के दौरान, जब वो खाना खा रहा था तभी तो उसने भविष्यवाणी की थी। बिल्कुल सी वाला सही हो जाएगा। यस गॉड विलिंग, हाँ भगवान की इच्छा है। हु सेड दिस स्टेटमेंट, यह कथन किसने कहा? किसने कहा ये? भगवान की इच्छा है, लेंचो की पत्नी ने कहा था। किसने कहा था? लेंचो की पत्नी ने। ठीक है, आगे देखेंगे। फॉर हाउ मेनी टाइम, कितनी समय तक डिड द हेल रेन, ओले गिरी, बरसात हुई या फिर ओलों की बरसात हुई, कितने समय तक ओले गिरी? 2 आवर, 1.5 आवर, 1.5 घंटे, 1 आवर, 1 घंटे, हाफ एन आवर, आधा घंटे। कितने घंटे तक गिरे भैया? तो 1 आवर। कितना? 1 आवर, 1 घंटे। आगे, द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, पके हुए अनाज के खेत, विथ इट फ्लावर, फूलों के साथ, ड्रेप्ड इन, ढक गई। पके हुए अनाज के खेत फूलों के साथ ढक गए, हेलेस्टोन ओलों से, पैटर्न ऑफ रेन बरसात की पर्दा से, फॉर्जन पल्स जमे हुए मोतियों से, या साल्ट नमक से, किससे ढक गए थे बताइएगा? तो पैटर्न ऑफ रेन बरसात के पर्दे से। ठीक है, वही अनाज के खेत किससे ढक गए थे? बरसात के। ठीक है, आगे है, द फील्ड वॉज व्हाइट, खेत सफेद था, एज इफ, मानो कि, कवर्ड विथ, किससे ढक गया? फ्लावर फूलों से, हेलेस्टोन ओलों से, साल्ट नमक से, कॉर्न अनाज से, किससे ढक गया हो बताइए? किससे ढक गया हो? तो आंसर होगा क्या? क्या होगा आंसर बताइए? क्या आंसर होगा? फूलों से? नहीं, इससे, नमक से। बिल्कुल नमक से, खेत ऐसे लगता था जैसे कि नमक से ढक गया हो, साल्ट से ढक गया हो। बिल्कुल। आगे, लेंचो स्टार्टेड राइटिंग अ लेटर टू गॉड, तो लेंचो ने भगवान को पत्र लिखना शुरू किया, ऑन कब? मंडे मॉर्निंग, संडे मॉर्निंग, सैटरडे इवनिंग, संडे इवनिंग। कब शुरू किया था? तो संडे मॉर्निंग। कब किया था? संडे मॉर्निंग। बिल्कुल संडे मॉर्निंग को। लेंचोज क्रॉप वाज डिस्ट्रॉयड बाई, लेंचो की फसल नष्ट हो गई थी किससे? हैवी रेन फॉल से, हेलेस्टोन से, डाउनपोर से, या हैवी स्टॉर्म से? ठीक है, किससे नष्ट हो गई थी? इसका जो शानदार आंसर है, हेलेस्टोन। क्या है? बी नंबर, ओलों से। ठीक है, आगे, वुड हैव लेफ्ट मोर देन, इससे ज्यादा तो छोड़ जाती, द हेल हैज लेफ्ट नथिंग, ओलो ने कुछ नहीं छोड़ा। तो बताइएगा यहाँ पर कौन सा सही होगा? ए बी सी डी। बिल्कुल, तो यहाँ पर हो जाएगा आंसर सी। क्या हो जाएगा? द पोस्ट मास्टर वॉज, डाकपाल था, डाकिया था, डाकिया क्या था? अ मैन ऑफ लाफ्टर, हंसी मजाक वाला आदमी, अ फैट एबिएबल फेलो, एक मोटा खुश मिजाज व्यक्ति, अ वेरी रिच मैन, बहुत धनवान आदमी, एन अनकाइंड एंड प्राउड पर्सन, एक निर्दयी और घमंडी व्यक्ति। क्या था बताइए? देखिए 17वां नंबर, ठीक है, 17वां नंबर में हम देखेंगे, अ फैट एम, बिल्कुल अ फैट एमिएबल फेलो, द मनी दैट वाज अरेंज्ड बाय द पोस्ट मास्टर, धन जो पोस्ट मास्टर के द्वारा इकट्ठा किया गया था। ठीक है, तो मोर देन हाफ, आधे से अधिक था, 100 पिसोज, 30 पिसोज, एज मच एज डिमांडेड, जितना मांगा गया था। तो बिल्कुल आधे से अधिक था। क्या था? आधे से अधिक। आगे देखेंगे, लेंचो कॉल द पोस्ट ऑफिस एम्प्लाई, लेंचो ने डाक घर के कर्मचारियों को क्या कहा? क्या कहा? अ बंच ऑफ क्रॉक्स, बिल्कुल यही कहा, लुटेरों का ग्रोह है। चलिएगा, और मैं आपको बता दूं कि सभी पार्टों पार्ट हैं, जितने भी लेसन हैं, सभी के मल्टीपल क्वेश्चन जो हैं बहुविकल्पीय हैं। ये प्ले लिस्ट मैंने बना दी है, वहाँ पर आपको सभी मिल जाएंगे, तो आप ज़रूर इसका विजिट कर लें। और हाँ, अगर आप किसी भी चीज़ पर एक वीडियो चाहते हो कि सर हमें इसके बारे में बता दें,
जरूर बताएं, मैं जरूर उस पर एक वीडियो बना के आप लोगों को दूंगा, ठीक है ना। आगे, द डिवाइस यूज्ड इन दे आर नाउ कॉइन्स इज दे आर न्यू कॉइन्स इज, ये नए सिक्के हैं, इसमें कौन सा अलंकार है? सिमली, मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन या एलिट्रेशन? तो बिल्कुल यहाँ पर देखो, ए द डिवाइस यूज्ड इन, देखो दे आर न्यू कॉइन्स, यहाँ पर जो अलंकार होगा मेटाफर क्या होगा, क्योंकि यहाँ पर मिलते जुलते हैं जो सिक्कों को मेटाफर के लिए होगा। द पोस्ट मास्टर वॉज अ एमलेबल फेलो, जो 2023 में पूछा गया था पोस्ट मास्टर कैसा था, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है वो है फैट, मोटा, कैसा था, मोटा, डी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिएगा, लाइक शेयर कर दें, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, अपना ख्याल रखें।